नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम अब अपने MP GK की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत MP का जो भी पूरा डिटेल है, जनरल नॉलेज का MP के बारे में पूरी डिटेल हम अपने वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियोस अपने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, लेकिन कुछ कारणों से हम उस सीरीज को आगे नहीं बढ़ा पाए थे। उसका कहीं ना कहीं कारण ग्राफिकली बेस्ड था। हम चाह रहे थे कि क्यों ना इन चीज़ों को हम ग्राफिकली बेस पर लोड करें, अपलोड करें। साथियों, एक बात पहले हम बता देना चाहता हूँ कि आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए, तो इसी श्रृंखला में हम स्टार्ट कर रहे हैं MPG के। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम लेकर के चल रहे हैं, और यदि हमें MPG के को समझना है, किसी भी इसका नॉलेज हमें यदि प्राप्त करना है प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं हम उसके डायरेक्शन को देखें, या जैसे मैप की बात कर रहे हैं तो उसको हम देखें, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा आसानी से और अच्छे तौर पर आ सकती है। तो आप सबसे पहले तो ये करें कि MP का जो मैप है, नक्शा है, उसे अपने हाथों से ड्रा करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से उसका नक्शा आ जाएगा। थोड़ा सा कठिन अवश्य है, जैसे इस प्रकार की ये डिजाइनिंग जो होती है, इनको बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, इनको ड्रॉ करना, क्योंकि जब हम ड्रॉ करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी हमारे साथ में आती है, यानी थोड़ा सा कठिन सा लगता है। लेकिन एक या दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे हमने इसको प्रैक्टिस किया था, तो ये मैंने नहीं बनाया हुआ है, लेकिन मैं अच्छे से आ गया था उसका। जब आप डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी अवश्य आ सकती है, बाकी ये मान के चलिए कि आप पूरा मैप अच्छे से सीख जाएंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि कौन सा ज़िला कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, और कहाँ कहाँ से नदी श्रृंखला निकली है, पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ, पठार श्रृंखलाएँ, और उनकी जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उनके अपवर्धन की बात करें, या वहाँ पर धार्मिक संस्थाओं की बात करें, धार्मिक क्षेत्र की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आप मैप को अच्छे से ड्रॉ करना सीख लीजिए। चलिए, हम शुरू करते हैं आज का बेसिक नॉलेज। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा गया है, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच स्थित है, और इसीलिए इसको मध्य प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम दिया था, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कई खूबियों से परिपूर्ण एक प्रदेश है। ख़ास तौर पर जब हम यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ का जो वातावरण है वो सम है, यानी ना यहाँ पर ज़्यादा सर्दी है, ना ही यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, ना ही यहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है, यानी सब तरफ से यहाँ पर सम है, और ऐसे में रहना बहुत ही अच्छा, और यूँ कह दें कि सामान्य तौर पर रहना, जीवन व्यतीत करना बहुत सुखदपूर्ण भी है। चलिए, आगे की बात करते हैं। ये हमारा नक्शा है, जिसके अंतर्गत हम दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। तो ये पूर्व है, पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, और इसी पे हम चले जाएंगे तो ये पश्चिम क्षेत्र है, और ये हमारा उत्तरी क्षेत्र है, और ये हमारा दक्षिणी क्षेत्र है। अब यदि हम इसके सीमा की बात करें तो पूर्व में यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है, और इधर महाराष्ट्र है, और ये गुजरात है, राजस्थान है, और ये बाउंड्री हमारी लगती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा, जो पूर्वी दक्षिण इधर में हमारा जो है कि छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और ये गुजरात का है, गुजरात का बहुत कम क्षेत्र मिलता है, और ये राजस्थान का है, यहीं से ये पूरा राजस्थान लग गया है। तो हमें ये चीज़ भी यहाँ पर मैप वाइज बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगी, हम इसको भी देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज और सारी चीज़ें। अब सबसे पहले हम बात करें पूर्वी क्षेत्र की, तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं। जैसे पूर्व में सबसे पहला लगता है सिंगरौली, तो यहाँ पर एक चीज़ आ जाएगी सामने कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले। तो सीमावर्ती ज़िले में यदि आपको डायग्राम में मालूम है कि सिंगरौली जो है कि एक तरफ आ गया, कोने पे आ गया है, और उसी के पास में सिंधी है, तो सिंधी और सिंगरौली से ये नाम से स्पष्ट हो जाएगा। अब इनका ये जो
क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र यदि आप देखेंगे तो ये स्टेट पर जा रहे हैं, यानी सीमावर्ती जिलों के अंतर्गत आ रहे हैं। सिंधी हो गया, सिंगरौली हो गया, इसी के पास में ये रीवा है। तो यदि आप मैप आपको याद होगा तो रीवा बड़ी आसानी से आ जाएगा। उसी के साथ में सतना है, तो ये इनका बाहरी क्षेत्र है जो सीमावर्ती जिले के अंतर्गत, यानी सतना, रीवा, सिंगरौली, ये सीमावर्ती जिले हो गए हैं। सिंधी हो गया, इसके बाद शहडोल है, इसके पास में ये शहडोल रहा। उमरिया, शहडोल के पास में उमरिया है। अनूपपुर है, जहाँ से अमरकंटक से नर्मदा निकली हुई है, तो ये वही क्षेत्र है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है अनूपपुर जिला। इसके बाद डिंडोरी जिला उसी के पास में लगा हुआ है। डिंडोरी के पास में मंडला जिला लगा है, मंडला के पास में बालाघाट है। बालाघाट का कुछ क्षेत्र जो है कि इधर छत्तीसगढ़ से मिलता है, कुछ क्षेत्र इसका महाराष्ट्र से मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन है आता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो दो स्टेट का सीमावर्ती जिला है। तो यहाँ से अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये यहाँ से दो क्षेत्रों में बंटा हुआ है। इसी के पास में सिवनी है, सिवनी के पास में छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के पास बैतूल है। इधर हम चलें तो बैतूल से लगा हुआ होशंगाबाद है, होशंगाबाद से लगा हुआ इधर नरसिंहपुर है, जबलपुर यहाँ पर बैठा हुआ है, जबलपुर से लगा हुआ कटनी है, कटनी जबलपुर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दमोह है, पन्ना की बात शायद नहीं हुई थी, ये यहाँ पर पन्ना है बैठा हुआ है। पन्ना के पास में छतरपुर बैठा हुआ है। इधर टिक्कमगढ़ है, जो भी ये भी सीमावर्ती जिले के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये सागर है, सागर से इधर लगा हुआ रायसेन है। होशंगाबाद की बात हो ही गई थी हमारी, होशंगाबाद से लगा हुआ बैतूल है, तो होशंगाबाद जब आप जाते हैं तो पास में बैतूल भी पड़ता है। इसी प्रकार हरदा है, हरदा बहुत ऐसे छोटा है इनसे। हरदा के बाद निमार इधर आ गया है, निमार से लगा हुआ बुरहानपुर आ गया है, और बुरहानपुर से लगा हुआ खरगोन जिला भी है। खंडवा खरगोन की यदि हम बात करें तो ये खरगोन जिला है। खरगोन से लगा हुआ देवास है, देवास से लगा हुआ शहडोल, शिवपुर, सीहोर है। इधर की यदि हम बात करें तो ये सीहोर है और इधर देवास है। यदि इधर जाते हैं तो इंदौर आ जाएगा देवास से लगा हुआ, और इधर जाएंगे तो हम ये सीहोर आ जाएगा, और इसी के पास ये देवास है। इधर शाहजहाँपुर है, और शाहजहाँपुर में ये आगर मालवा अलग हो गया है। ये सीमावर्ती जिला में आता था पहले शाहजहाँपुर, जो राजस्थान से इसकी बाउंड्री लगती थी, लेकिन अब आगर मालवा का निर्माण अलग डिस्ट्रिक्ट बना देने से आगर मालवा हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये आगर मालवा बनने से आगर मालवा अब सीमावर्ती जिला हो गया, और जो शाहजहाँपुर है ये सीमावर्ती जिला नहीं रहा है। इधर राजगढ़ है, तो राजगढ़ भी सीमावर्ती जिला है राजस्थान का। राजगढ़ के पास में इधर गुना बैठा हुआ है, ये भी सीमावर्ती जिले के अंतर्गत आता है। फिर इधर यदि ये भोपाल है, भोपाल पहले प्रारंभिक तौर पर सीहोर की एक तहसील ही था, बाद में इसको जिला बनाया गया। भोपाल भी वो छोटा सा जिला ऐसे देखा जाए तो हमारी राजधानी भले ही है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन जिले में यदि दृष्टिकोण से देखें तो छोटा है। तो यहाँ भी बात पता चलेगी, नक्शे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन सा जिला छोटा है, कौन सा बड़ा है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भोपाल से लगा हुआ विदिशा है, यानी भोपाल की राजधानी जाते हैं तो कई बार हमें जैसे कहीं पर घूमने जाना है या कहीं किसी काम से जाना है तो हमें ये बात पता हो जाएगी कि यार कितना दूर पड़ेगा भोपाल। यदि हम पहुँच गए तो भोपाल से रायसेन कितना पड़ेगा, भोपाल से दमोह कितना पड़ेगा, भोपाल से सागर कितना पड़ेगा, तो हमें एक आइडिया और भी लग जाता है। जीके तो हमारा क्लियर हो ही रहा है, लेकिन बाकी चीज़ भी हमें क्लियर हो जाएगी मैप से। चलिए तो विदिशा हो गया, विदिशा से अशोकनगर है, ये भी हमारा सीमावर्ती जिला है, ये उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला है। इधर शिवपुरी है, शिवपुरी की विशेषता ये दो जगह लगता है, इधर तो ये राजस्थान से लगता है और इधर का क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश से लगता है, तो ये भी सीमावर्ती जिला है। शिवपुरी के जस्ट पास में इधर बैठा हुआ दतिया, ये भी जो है कि सीमावर्ती जिला है, और इधर भिंड है। हमने अपने पुराने वीडियो में भी सीमावर्ती जिले का पूरा जिक्र किया था, लेकिन हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको नहीं पढ़ा था क्योंकि कहीं ना कहीं उस मैप में हमने नहीं बनाया था, लेकिन हम अब ग्राफिकली तौर पर आ गए हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। और साथियों चाहे MPPSC की बात करें या MP रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है, व्यापम जितना लेता है जिसका नाम अब PEB हो गया है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसकी बात करें तो उसके अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनमें अधिकांशतः MP का GK पूछा जाता है। और MP के GK की शुरुआत आप जब करें तो ख़ास तौर से उसके मैप से ही करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर ग्वालियर है, ग्वालियर के पास में ही लगे हुए हैं भिंड मुरैना, यानी ग्वालियर गए तो आपको पता पता चल जाएगा कि भिंड मुरैना वहाँ से कितना दूर पड़ेगा, यानी लगे हुए हैं, ठीक है। शिवपुरी से ग्वालियर ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, यानी हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इधर शिवपुरी बैठा है, ठीक है, तो ग्वालियर शिवपुरी से लगा हुआ है ये भी। अब हम वापस इधर आ जाते हैं, तो यह राजगढ़ की हमारी बात हो ही गई थी, ये भी सीमावर्ती जिला है। फिर इधर आ जाते हैं, तो ये राजगढ़ से शाजापुर लगा हुआ है, और शाजापुर से होते हैं, यानी राजगढ़ से यदि उज्जैन आना है हमें तो बीच में शाजापुर पड़ेगा। अब आगर मालवा अलग हो गया, तो इधर के रास्ते से कहीं से जाएंगे तो आगर मालवा आएगा, यानी डायरेक्टली हम राजगढ़ से उज्जैन ऐसे नहीं आ सकते, या फिर हमें इधर बाहर जाना पड़ेगा राजस्थान की तरफ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उज्जैन से लगा हुआ रतलाम, तो रतलाम जो है ये भी सीमावर्ती जिले के अंतर्गत आता है। रतलाम के पास में बैठा हुआ मंदसौर, यानी हम उज्जैन तक आ गए हैं, तो फिर हमें रतलाम, और रतलाम से हमें जाना होगा मंदसौर, मंदसौर से यदि हमें नीमच जाना है तो यहाँ से लगा हुआ है ये, ठीक है। अब हम वापस नीचे आ जाते हैं, तो इधर झाबुआ है, झाबुआ से लगा हुआ धार है, और धार से लगा हुआ इंदौर है। तो धार और इंदौर के भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम वो भी देखेंगे आगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इधर अलीराजपुर है, ये दोनों ही गुजरात की सीमावर्ती जिले हैं, और गुजरात की ही जो सीमा है वो बहुत कम मिलती है, सबसे कम मिलती है अन्य जिले, अन्य स्टेट की अपेक्षा, ठीक है। तो ये हमारा धार हो गया, बड़वानी हो गया हमारा, धार है ये, इंदौर हो ही गया था, ये खरगोन हमारा हो गया, ये खंडवा क्षेत्र है, बुरहानपुर हो गया। साथियों एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब ड्राइंग लें, थोड़ा सा हमसे ये हुआ गया कि हमने पुराना नक्शा यहाँ पे ले लिया है, आप लेटेस्ट उसका नक्शा लें, तो जितने भी नए जिले बने हैं वो भी चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे हम इसको देखते हैं, कौन कौन से संभागीय क्षेत्र हैं वो हम देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं जिले और संभाग, तो 10 संभाग है एमपी के अंतर्गत, और टोटल 51 जिले हैं। अभी नया जिला भी इसमें जुड़ गया है, वो है आगर मालवा, काफ़ी समय हो गया है इसको, 2013 में ही बन गया था ये, 13-14 में ही। तो यहाँ पर 51 जिले हो चुके हैं एमपी के अंतर्गत। अब इसमें हम संभाग वाइज देख लेते हैं, तो चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, वो है श्योपुर, मुरैना, भिंड। तो श्योपुर हमने देखा था, ये इधर श्योपुर बैठा है, मुरैना बैठा और भिंड बैठा हुआ है ऊपरी क्षेत्र में। तो ये पूरा जो संभाग है ये चंबल संभाग, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी निकली हुई है, इसी कारण इस क्षेत्र को चंबल क्षेत्र या चंबल संभाग दिया गया, जिसके अंतर्गत 3 जिलों को इंक्लूड किया गया है। ग्वालियर संभाग की बात करें, अगला ग्वालियर संभाग जिसके अंतर्गत ग्वालियर, तो ये ग्वालियर हो गया, शिवपुरी, शिवपुरी के अलावा गुना जिला इस संभाग के अंतर्गत आता है, अशोकनगर भी क्योंकि इसी से मिला हुआ है, और दतिया, ये दतिया। तो ये इतना पूरा क्षेत्र ये 2 संभाग के अंतर्गत आ जाता है, और वो है चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर के अंतर्गत 5 जिले हो गए। इसके बाद आ जाते हैं उज्जैन संभाग, ये उज्जैन ही है यहाँ पर, ये उज्जैन है, तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत भी हम देख लेते हैं, ये उज्जैन है, और उज्जैन के अंतर्गत आता है एक तो देवास, ये देवास है, ये देवास है, देवास के बाद रतलाम इसमें है, ये रतलाम, ये भी उज्जैन से लगा हुआ है, उसी के पास का है। शाजापुर भी जो है कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। नीमच भी, ये नीमच है, और मंदसौर, क्योंकि ये भी क्षेत्र है, यानी ये पूरा क्षेत्र हमारा उज्जैन के अंतर्गत आ जाएगा।
उज्जैन खुद इसमें है और आगर मालवा जो शाजापुर से अलग हुआ था। तो इस प्रकार से पूरे 7 जिले जो है कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो हम इनको मिला देते हैं, ये देवास हमारा छूट गया था, ठीक है ना, सीहोर नहीं आएगा इसमें। ये इतना इतना हमारा हो गया उज्जैन संभाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाता है हमारा इंदौर संभाग। तो इंदौर के अंतर्गत हैं जो 8 जिले जो है इस संभाग के अंतर्गत आते हैं, उसमें खुद इंदौर। तो हम इंदौर को देख लेते हैं, ये इंदौर बैठा हुआ है, ये इंदौर बैठा हुआ है। इंदौर के पास में धार है, ये धार आ गया। धार के पास में झाबुआ है, ये झाबुआ है। झाबुआ के पास में ही अलीराजपुर है, ये अलीराजपुर हो गया। इसके बाद बड़वानी है, ये बड़वानी हो गया। खंडवा और खरगोन है, तो खंडवा ये निमाड़ क्षेत्र, ये खरगोन खंडवा क्षेत्र है और ये खरगोन है। और बुरहानपुर, ये बुरहानपुर। तो इतने जिले जो है कि ये क्षेत्र पूरा आ गया हमारा इंदौर संभाग के अंतर्गत, ठीक है। तो एक तो हमारा संभाग हो गया चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर चंबल, ये दोनों एक संभाग एक साथ हो गए। ये पूरे को हम देख लें, ठीक है। ये हमारा हो गया उज्जैन संभाग और ये हो गया हमारा इंदौर संभाग। तो अब आपको क्लियर हो गया, ये 3 संभाग हमारे हो गए, 10 संभाग टोटल है। हम आगे को चलते हैं, सॉरी 4 संभाग हो गए हमारे, है ना। दो तो ये खुद इसमें हो गए हैं और दो इधर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, भोपाल संभाग। तो ये भोपाल जिला यहाँ पे बैठा हुआ है। अब भोपाल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ जुड़े हैं, तो भोपाल से सीहोर जुड़ा हुआ है, ये इसी के पास सीहोर है, ठीक है। इसके बाद ये भोपाल, भोपाल से जुड़ा हुआ सीहोर है, और सीहोर से इधर जुड़ा हुआ ये रायसेन है। भोपाल से जुड़ा हुआ ये रायसेन का क्षेत्र है। रायसेन से जुड़ा हुआ विदिशा भी, ये भी भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र विदिशा में आ गया हमारा, ठीक है। और जो है कि राजगढ़, तो ये राजगढ़ यहीं पर जो छूट गया था, तो ये हमारा हो गया राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर। ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जिले हमारे हो गए भोपाल संभाग के, ठीक है। अगला है होशंगाबाद या नर्मदापुरम। इसका नाम नर्मदापुरम संभाग हो गया है, होशंगाबाद, जिसमें खुद आता है एक तो होशंगाबाद, ये होशंगाबाद रहा। होशंगाबाद के पास ही हरदा है, ये हरदा हो गया। हरदा के बाद आ जाता है बैतूल, तो ये बैतूल हो गया। इस प्रकार से 3 जिले जो है कि नर्मदापुरम के हो गए, यानी होशंगाबाद संभाग के हो गए, हरदा, खुद होशंगाबाद और बैतूल, ये हो गया, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इन चीज़ों को समझने की, किधर कौन सा संभाग है। अब जिले के अनुसार हमने समझा था, जैसे हम आपसे कह जाए कि अलीराजपुर कहाँ है, तो ये अब सीधा पहुँच गया। इसी प्रकार आपको ये फायदा होगा कि चंबल और ग्वालियर संभाग, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये ऊपर की तरफ आ गया, फिर इधर की तरफ उज्जैन संभाग हो गया, इधर इंदौर संभाग हो गया, इधर नर्मदापुरम संभाग हो गया। बहुत आसान हो जाएगी इन चीज़ों को समझना, बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आ गया सागर संभाग। तो सागर खुद इसमें है, ये सागर जो छूटा हुआ था। सागर के बाद खुद सागर हो गया। दमोह इसके अंतर आता है, ये इसी से लगा हुआ दमोह है। दमोह के बाद पन्ना इसके अंतर्गत आ गया, तो ये पन्ना है। तो यहाँ से हम चले सागर से होते हुए दमोह को लिया, पन्ना को उठाया। पन्ना के बाद हमारा छतरपुर है, तो ये छतरपुर भी उठा लेते हैं। छतरपुर के पुर के बाद हमारा टीकमगढ़ है, तो ये टीकमगढ़ है। तो छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ये आ गए हम, और दमोह। ये आ गए, अब हम इसमें 5 काउंट कर लेते हैं, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना, ये 5 जिले हो गए। ये 5 जिले जो है सागर संभाग के अंतर्गत हो गए। अब आ जाता है जबलपुर। तो जबलपुर में खुद जबलपुर होगा और इसी से लगा हुआ कटनी होगा, ये देखिए ये कटनी। इसके बाद नरसिंहपुर है, तो ये नरसिंहपुर जो इधर छूट गया था, इसको इधर संभाग में मिला दिया। नरसिंहपुर के बाद मंडला, तो ये मंडला इसी से जुड़ा हुआ है, इसको हम आगे लेंगे, इधर की लाइन खींच के लेके आ जाते हैं। मंडला इधर जुड़ा हुआ है, ये छिंदवाड़ा,
जो कि सीमावर्ती जिला भी है। छिंदवाड़ा से ही सिवनी जुड़ा हुआ है, सिवनी से ही बालाघाट जुड़ा हुआ, बालाघाट ये देखिए डिंडोरी जुड़ा हुआ है, मंडला है, डिंडोरी है, ठीक है। अब हम इस लाइन को आगे खींच देते हैं, इधर कटनी आ गया था, ये यहाँ से ये जिले आ गए, तो ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले हो गए, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और डिंडोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम रीवा संभाग, तो रीवा खुद इसमें आ गया, ये रीवा, सिंधी, सिंगरौली और सतना ये आ गए, तो ये 4 जिले इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये 4 जिले ये पूरे हो गए, ठीक है, ये 4 हो गए। तो ये हो गया हमारा रीवा संभाग। इसके बाद बचा वो शहडोल, तो शहडोल के अंतर्गत हमारे 3 शहडोल, उमरिया और अनूपपुर ये वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम सामग्री संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। और अब आपको मुझे जहाँ तक तो ध्यान भी रहेगा कि किधर कौन सा संभाग है, यानी इधर की तरफ हमारा चंबल और ग्वालियर संभाग एक साथ हो गया है, इधर उज्जैन संभाग हो गया जिसके अंतर्गत नीमच और धार और ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। उज्जैन संभाग, धार, सॉरी गलत बोल दिया था मैं, धार तो इधर आ गया है हमारा। तो आपको जो कि संभागीय स्थिति पर और जिले, क्योंकि वो जिले के कारण हो गया, तो इस प्रकार से बहुत आसान हो जाएगा कि 10 संभाग हमारे हो गए और 51 जिले हो गए हैं। साथियों, ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।